I'm Meenu Grover, a healer and teacher of many healing modalities by profession. Today, I'm going to talk about handwriting and signature analysis. हम सब ही लिखते हैं, especially बच्चे तो बहुत ज़्यादा लिखते हैं. जब हम लिखते हैं तो हमारी ब्रेन का एक हिस्सा हमारी हैंडराइटिंग में आ जाता है और वो हमारी लाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा बात करता है. हैंडराइटिंग हमारी स्टेट ऑफ माइंड होती है. सपोज आई एम राइटिंग, जस्ट बाय लुकिंग एट द हैंडराइटिंग हम आपके पर्सनैलिटी के बारे में, आपकी वीकनेसेस, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी इमोशनल स्टेट, आपके माइंड में क्या चल रहा है उसके बारे में बहुत कुछ पता चल जाता है जस्ट बाय लुकिंग एट द हैंडराइटिंग. और सिर्फ हैंडराइटिंग देख के पता ही नहीं चलता. दिस इज सी ऑल द मोडालिटीज आर इनकम्प्लीट जस्ट बाय गिविंग द इन्फॉर्मेशन जब तक हम उसका सोल्यूशन के लिए यूज नहीं कर पाए. तो हमारा पर्पस यहाँ पे हर चीज़ का सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है लाइफ में, तभी आपकी लाइफ का पर्पस कंप्लीट होता है. प्रॉब्लम्स तो सबको पता होती है कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है. मैं आपको बता दूंगी कि आपकी इमोशनल स्टेट वीक है या आप लोगों पे डिपेंडेंट ज़्यादा है, वो आप ऑलरेडी जानते हैं कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली. बट द पर्पस इज टू चेंज वट एवर यू चेंज इन योर लाइफ. सो ऑल दीज थेरेपीज नॉट ओनली हेल्प टू रिवील द इन्फॉर्मेशन बट दे हेल्प टू चेंज द पर्सनैलिटी ऑफ योर लाइफ. तो एक काम करते हैं, आज आप सब एक शीट ऑफ पेपर लीजिए जिसपे लाइंस नहीं हो. हैंडराइटिंग का सैंपल लेने का एक तरीका होता है, जब भी हैंडराइटिंग और सिग्नेचर का एक सैंपल लेते हैं तो शीट शुड बी अनरूल्ड. एक प्लेन शीट पे आप 5-10 लाइंस ऑल ऑफ यू राइट ऑन अ प्लेन शीट ऑफ पेपर विद अ ब्लू पेन. आप इस वीडियो के खत्म होने के बाद उसको लिख सकते हैं. आप आराम से बैठें, एक साइलेंट स्पेस में बैठें, जो भी आपके माइंड में फ्लो हो रहा है, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन जो आती है आपके ब्रेन से, सबकॉन्शियस माइंड से आती है, तो हमें सबसे पहले तो कॉपी नहीं करना होता कुछ भी. तो आप 5 लाइंस लिखिए और एंड में उसको साइन करिए. तो सिग्नेचर जो आपकी हैंडराइटिंग होती है वो आपकी पर्सनल लाइफ रिवील करती है कि आप अपनी पर्सनल लाइफ में कैसे हैं, आपकी पर्सनालिटी, आपके ट्रेड्स. और जो सिग्नेचर होते हैं वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ को या सोशल लाइफ को, कि आप लोगों के सामने आपका पोर्ट्रेयल कैसा है, क्या आपका पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में पोर्ट्रेयल सेम है कि वो डिफरेंट है. तो उससे हमें, हम कभी भी दोनों चीज़ों को आइसोलेशन में नहीं लेते. अगर हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए आपकी कंप्लीट पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ के बारे में, अपनी पर्सनल एंड सोशल इमेज के बारे में, आप अपना सोशल इमेज पोर्ट्रेयल कैसा है, तो हम हैंडराइटिंग के साथ सिग्नेचर हमेशा लेते हैं. तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले अपने हैंडराइटिंग का सैंपल लेंगे और नीचे आप उसको साइन कर देंगे. ये लिख के आप उसको साइड पे रख देंगे. और अभी हम बात करते हैं कि हैंडराइटिंग से क्या क्या हम आपके बारे में बता सकते हैं, और स्पेशली सिग्नेचर. इस वीडियो में हम सिग्नेचर को मेन हाईलाइट करेंगे. एंड आई विल टॉक अबाउट 3 टाइप्स ऑफ सिग्नेचर विच शुड बी अवॉइडेड कंप्लीटली, राइट. तो सिग्नेचर से पहले सिग्नेचर पे आते हैं, देन आई विल कम बैक टू हैंडराइटिंग वंस अगेन. आप सब अपने सिग्नेचर कर लीजिए एक पेपर पे, वो तो आप वीडियो के साथ साथ भी कर सकते हैं. सबसे पहले आप देखिए कि कहीं आपने किसी भी तरह से अपने सिग्नेचर को हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, डायगनली, किसी लूप के थ्रू आपने काटा तो नहीं है. अगर आप उसको कट कर रहे हैं, कई लोग जैसे लिखते हैं जे, जैसे आपने JYOTI ज्योति लिखा और इसको ऐसे लाइन लाके कट कर दिया, तो जब भी आपका कोई अल्फाबेट, कोई भी लेटर आपका सिग्नेचर से कट हो रहा है, तो दैट मीन्स यू आर डिस्ट्रक्टिंग वन पार्ट ऑफ योर लाइफ ऑन योर ओन. आप यू आर सेल्फ साबोटेजिंग योर सेल्फ. आप कभी भी लाइफ में उतना ग्रो नहीं कर पाएंगे, चाहे प्रोफेशनली, चाहे इमोशनली, चाहे पर्सनली. एक एरिया आप अपनी लाइफ का हमेशा कट कर रहे हैं. तो आप अपने चेक करें कि कहीं पे भी आप अपना कुछ कटिंग वाला सिग्नेचर तो यूज नहीं कर रहे हैं, जहां पे आप कोई भी हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगनल लाइन को आप यूज कर रहे हैं, तो वो आपको नहीं करना है. सेकेंडली, बहुत लोग सिग्नेचर डालने के बाद, जैसे आपने सिग्नेचर लिखा एंड देन आपने फुल स्टॉप या डॉट लगा दी, फुल स्टॉप आपने बाद में यूज नहीं करना है कहीं भी. फुल स्टॉप मीन्स यू आर पुटिंग अ फुल स्टॉप टू योर लाइफ, स्पेशली प्रोफेशनल ग्रोथ. सोशल लाइफ में आप अपनी ग्रोथ को उतना नहीं राइज कर पा रहे हैं जितना कि आपको राइज करना चाहिए. एंड सेकेंडली, थर्डली, लास्ट चीज जो मैं आपको अभी इस वीडियो में बताने वाली हूँ, जब भी आप अपने सिग्नेचर में लास्ट अल्फाबेट लिखेंगे, वो कभी भी नीचे की तरफ नहीं खत्म होना है. जब भी आपका लास्ट अल्फाबेट नीचे की तरफ खत्म होता है, तो आप फॉल डाउन ही करेंगे, आप कभी भी लाइफ में राइज नहीं कर सकते. तो हमें, अगर जैसे बहुत लोग फर्स्ट नेम, ओनली फर्स्ट नेम से साइन करते हैं, सम पीपल साइन विद फर्स्ट नेम एंड द लास्ट नेम, उसका सिग्निफिकेंस अभी हम यहाँ पे कवर नहीं कर रहे. पर इवन इफ यू आर राइटिंग द फर्स्ट नेम एंड द लास्ट नेम, तो आपका लास्ट अल्फाबेट हमेशा ऊपर की तरफ ही खत्म होना चाहिए कभी भी. एंड देन यू डोंट हैव टू पुट अ डॉट इन द एंड. सो दीज 3 सिग्नेचर स्टाइल्स शुड बी अवॉइडेड कंप्लीटली, बिकॉज दे आर नॉट कॉल्ड प्रोस्पेरिटी सिग्नेचर. वे आपको फॉल डाउन करते हैं,
और हेल्प नहीं करते ऊपर उठने में। अब वापस हैंड राइटिंग पे आते हैं, बहुत थोड़ा सा इसके बारे में एक दो पॉइंट्स कवर करते हैं कि आपकी हैंड राइटिंग जो अभी आप सैंपल लिखेंगे अभी या बाद में जो लिखेंगे तो आप अपनी हैंड राइटिंग के बारे में क्या रिवील कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप हम देखते हैं क्योंकि हम अनरूल शीट पे सैंपल लेते हैं तो आप ऊपर की तरफ लिख रहे हैं कि नीचे की तरफ लिख रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन में लिख रहे हैं। आर यू राइटिंग लाइक दिस, आर यू राइटिंग स्ट्रेट लाइन, और आर यू इज योर राइटिंग फॉलिंग डाउन। आज हम सिर्फ यही कवर करेंगे, इसको बेस लाइन बोलते हैं। अगर तो आप ऊपर की तरफ लिखते हैं मीन्स आपकी लाइफ में कितना भी पॉजिटिव हो कितना भी नेगेटिव हो आप हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं। अगर आप स्ट्रेट लाइन में लिखते हैं तो आप ठीक है, न्यूट्रल है, ना बहुत पॉजिटिव ना बहुत नेगेटिव, और चलते जाते हैं, यू डोंट स्टॉप। लेकिन अगर आपकी हैंड राइटिंग फॉल डाउन कर रही है दैट मीन्स यू आर इन डिप्रेशन, यू हैव मूड स्विंग्स।